रमशा रमशा धोनी किसका? मेरा है। और यहां क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। I'm some serious. I'm not joking. कल तुमने मुझे कहा था कि अपने शूज और बात खुद भूल गई। आंटी मुझे आवाजें दे रही थी, जल्दी जल्दी में नहीं याद रहा मुझे। जल्दी में काम खराब होता है। अच्छा, I'm sorry. उठा रही हूं मैं। अब इतनी सी बात को प्लीज इश्यू मत बना लेना। एहसान नहीं करोगे उठाकर मुझ पर? तुम लड़ना चाह रहे हो मुझसे? मैं सिर्फ तुम्हें अकल की बात बता रहा हूं। ना तो मैं बच्ची हूं और ना ही मैं जाहिल हूं। तुम्हें वैसे ही मौका चाहिए होता मेरी हर बात का इशू बनाने का। मैं इशू बनाता हूं? मैं बनाता हूं। और खुद तुम क्या करती हो? अब तुम ज्यादती कर रहे हो रेहान। जिसे आईना दिखाया जाए ना, वो इसी तरह भड़कता है। यू नो व्हाट रेहान, टू हेल विद योर आईना। खुद तो तुमने आज तक देखा नहीं, तुमने मुझे क्या दिखाना है? दोनों लड़ते इस तरह हैं जिससे लगता है 20 साल गुजर गए। क्या किया जाए बेगम, ये हमसे ज्यादा समझदार पढ़े लिखे और अकलमंद लोग हैं ना। लेकिन तजुर्बे में तो हम दोनों से कम है ना। हमें बड़े होने का हक अदा करना चाहिए आबिद साहब। आप करके देख लीजिए। तो वो कौन सा माफ कर देता है मुझे? मेरी छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करता है और अगर मैं कुछ पॉइंट आउट कर दूं तो मुंह बना के बैठ जाता है। तो नहीं समझता क्या है अपने आप को? प्लीज बेटा, समझने की कोशिश करो। समझने के लिए मोहब्बत और एतमाद की जरूरत होती है बेटा। और तुम्हारी लड़ाइयां? मुझे तो परेशानी से पूरी रात नींद नहीं आई। I'm sorry मामा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मुझे शान के एटीट्यूड पे बहुत गुस्सा आता है। बेटा अपने गुस्से को कंट्रोल करो, वो जैसा चाहता है वैसा करो बेटा। यानी मैं बदल लूं खुद को उसके लिए? हाँ मेरी जान। वो क्यों नहीं बदल लेता अपने आप को मेरे लिए? आप भी हमेशा मुझे ही हार मानने के मशवरे देती हैं। क्योंकि बेटा घर बसाने और बचाने की जिम्मेदारी औरत, माशाल्लाह खुद समझदार और अकलमंद हो, जमाने को देखा और समझा है तुमने। अगर तुम अपनी अकड़ छोड़ दोगी और उससे अच्छी तरह पेश आओगी तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा बेटा। मामा वो खुद को परफेक्ट समझता है, उसे लगता है जाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें भी तो एक परफेक्शनिस्ट की जरूरत थी ना बेटा, पहले तुम्हें उसकी खामियां खूबियां नजर आती थी। तो तुम्हारी अपनी चॉइस थी बेटा, अपनी भाव से। चॉइस को अपने लिए सजा बना लूं मैं? हाँ बना लो। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। वैसे काफी हद तक परफेक्शनिस्ट हूँ। आई लाइक थिंग्स इन अ सर्टेन मैनर, एक तरतीब में चीजें रहें तो मुझे पसंद। और जहां तक मेरी परसेप्शन लड़कियों के बारे में है तो मुझे कॉन्फिडेंट, बोल्ड, ऑफ कोर्स पढ़ी लिखी और सिक्योर लड़कियां पसंद है। गर्ल्स हु नो व्हाट दे वांट। अभी तक जितना देखा है, आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज गर्ल्स। वेल आई आल्सो थिंक यू आर काइंड ऑफ गाय आई कैन स्पेंड माय लाइफ विद। यस। तो श्योर होने के लिए हम फिर कब मिल रहे हैं? इतनी जल्दी आपको? नहीं जल्दी नहीं, आई जस्ट लाइक टू यू नो प्लान अहेड थोड़ा पहले से। वेल इन दैट केस मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ एंड वी कैन। चले आप नंबर दें, मैं तब तक सांस रोक के बैठता हूँ। आप सांस रोक के बैठे, मैं जब तक कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ। खाना
खाने की बात की तो बीफ और चिकन। चिकन? यू? चिकन। फिश और प्रॉन्स? प्रॉन्स। प्रॉन्स। प्रिटी मच लाइक। प्रिटी मच। थैंक यू। वेल दैट इज गुड। तुम्हें तो अपने मतलब का बंदा मिल गया। आई मीन स्मार्ट, हैंडसम, ऊपर से परफेक्शनिस्ट। या पर अमशा एक बात कहूं, आई मीन परफेक्शन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आई डोंट अग्री विद यू। देखो अगर लाइफ को बैलेंस करके चला जाए ना तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब ऑब्वियसली अगर आपको अपनी लाइफ ही बैलेंस नहीं करनी आती एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, दैट्स अनफेयर, नहीं हो सकता। तुमने कभी सर्कस में जिमनास्ट को देखा? देखो ना कितनी थोड़ी देर का शो होता है और उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत की जरूरत होती है, और उस मेहनत के बाद ही हम तालियां भी बजाते हैं, उन्हें कामयाबी भी मिलती है। बट यार रियल लाइफ में ये सब चीजें नहीं होती हैं। रियल लाइफ में उतार चढ़ाव सारी चीजें होती रहती हैं, हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए। इस फलसफे का मतलब? इस फलसफे का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो तुम परफेक्शन की आइडियोलॉजी है ना, इससे बाहर आ जाओ। से सूफी, यू डोंट ट्रस्ट मी विद माय स्किल्स एंड आई हेट दैट अबाउट यू। हरगिज नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बट मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे नजरियात, आई मीन इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। एक तो मैं तुम्हारे घर आई हूं, बजाय कि तुम चाय के साथ कुछ अच्छा ऑफर कर दो खाने के लिए, मुझे उल्टा डरा रही हो तुम। हद होती है वैसे किसी बात की। खाने में क्या बनाया? किसकी जगह नहीं है ये, किसके लिए? आपका बैग? मेरा बैग है। वो मुनासमा ने गलती से रख दिया होगा। लेकिन एक्चुअली मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप ले लीजिएगा वहां से। गर्मी काफी नहीं, वो एक्चुअली मुझे कूलिंग से एलर्जी है, ज्यादा होती है ना तो फिर मुझे छींकियां आती हैं बार बार। कूलिंग से beautiful. Thank you. AC ka remote. By the way, मुझे फूलों से एलर्जी है। कितना यार? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खुश रहो, जीती रहो। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या लोगी तुम नाश्ते में? हाँ मैं तो ले लूंगी, रेहान के दे रहे, वो नाश्ता नहीं करेंगे? भाई रेहान तो सुबह 9 बजे नाश्ता करता है, 1 घंटा पहले वो कर चुका नाश्ता। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। चाय की कप तो पकड़ो। मेरी चॉइस।
क्या कर रहा है? मैंने तो नहीं रखा। ओ, वो खतीजा को मैंने आयरन करने के लिए दिया था, उसने गलती से रख दिया होगा। इधर कहते मैं रख देती हूँ। क्या हो गया है? आज अगर भूल गई है तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ दे, आइंदा नहीं करेगी। आज छोड़ दिया तो रोजाना गलती करेगी, उसे एहसास दिलाना जरूरी है। जी साहब। खदीजा, आपको मालूम है मेरी अलमारी कौन सी है? जी साहब, ये वाली। और बेगम साहबा की? वो वाली। तो फिर आपने बेगम साहबा का सूट मेरी अलमारी में क्यों रखा, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर मुझे चीजें एक तरतीब से ना मिले तो मुझे उलझन होती है और गुस्सा आता है। साहब, गलती हो गई। रियान, इतनी छोटी सी बात पे इतना शर्मिंदा कर दिया उसे, आइंदा नहीं करेगी। तुम्हारे लिए मामूली सी बात होगी, मेरे लिए लापरवाही और गैर जिम्मेदार हरकत है। मुझे अपनी जिंदगी बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। Hi. कैसा गुजरा ऑफिस में दिन? Don't ask. ये फूल कहां से है? मैंने लगाए, अच्छे लग रहे हैं ना? आगे बाहर फेंको उनको फौरन। क्यों? मुझे फूलों की स्मेल से एलर्जी है। फूलों की स्मेल से एलर्जी? पहली बार सुन रही हूँ मैं ये बात। एसी की कूलिंग से एलर्जी है, ये भी मैं पहले। सीरियसली रिहान, इनका जवाब रिहान पत्थर से ना दे, ये तो एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफी है ना। अच्छा जाओ, बहुत भूख लगी, मुझे खाना लगाओ। देखते हूँ, बन गया हो तो लगवा देती हूँ। क्या मतलब बन गया हो? तुम्हें ये नहीं पता खाना बना या नहीं? मुझे कैसे पता होगा, मैं किचन में नहीं गई अभी तक। तो जाए ना किचन में, ये फजूल काम करने के बजाय कोई इंपॉर्टेंट काम करो तो मुझे खुशी होगी। फूल लगाना फजूल काम है। Listen, मैं हमेशा लंच घर आके करता हूँ और अम्मी मेरे आने से पहले लंच तैयार रखती है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें किसी और की परवाह हो तब ना। Enough, Rehan. What enough? मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी वीकनेस बता रहा हूँ डार्लिंग। तुम्हें तो ये तक नहीं आता कि मुझे पोलन एलर्जी है। ये वैल्यू तुम्हें अपने शौहर की। तुम खामखा राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर की बात है, लग जाता है अभी खाना। जरा सी बात नहीं है, वैल्यू की बात है। अच्छी बीवी अपनी शौहर की हर बात को इंपॉर्टेंस देती है। अच्छी बीवी नहीं अकबन है कि अपनी जरा सी गलती नहीं मान सकती। क्या गलती की है मैंने? तुम्हारे लिए इतने प्यार से फूल ही तो लगाए हैं ना मैंने सिर्फ, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम एक कैक्टस हो, तुम्हें ये चीजें सूट ही नहीं करती। यू नो व्हाट, गेट आउट ऑफ माय फेस। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मोहब्बत देने की। आग निकलती है तुम्हारे मुंह से रिहान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने जहरीले इंसान हो। अजाब बना दिया तुमने जिंदगी मेरी। मैं नहीं रह सकता यार इस तरह जल कुड़ के। इस लड़की को जरा सी भी मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। आई कांट डू दिस। बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कुछ लोगों को रूटीन से हटकर किए जाने वाले काम पसंद नहीं होते हैं। तुम भी ना, अब जैसा है वैसा चलने दो। मामा, मेरे सारे शौक, सारे अरमान ही शिद्दत पसंद और टिपिकल किस्म का इंसान निकलेगा रेहान। मतलब अगर कभी गलती से मैं इसके टावल को हाथ लगा दूं ना, तो मुझे ऐसे लेक्चर देने लग जाता जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। और कभी भूले से इसकी बेड साइड की टेबल पे अगर मेरा फोन रह जाए, तो ऐसे मुझे देखने लग जाता जैसे मेरा किसी कब्जा ग्रुप से ताल्लुक हो। मतलब हद होती है इस चीज की। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज के ड्रामों से। आपको पता है मैं भी समझने के लिए कुछ चाहिए। तुम खुद को उसकी मर्जी के मुताबिक बना लोगी बेटा तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी।
मुझे नहीं लगता कि मेरे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने से सारे प्रॉब्लम्स हल होंगे मामा। दूसरे बंदे को भी कोई अकड़ अपनी खत्म करनी चाहिए। बेटा जिद करने से ना सिर्फ घर बर्बाद होते हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दो, उसके साथ रहो, उसको समझने की कोशिश करो, तो फिर ये छोटे छोटे इश्यूज नहीं बनेंगे बेटा। वक्त गुजरने दो मैं इसे। एक ऐसे इंसान के साथ तकलीफ दे तजर्बा करूं, समझनी है ना माननी है। आप नहीं समझेंगी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम। इसी तरह से बन सवर के रहा करो। इतने सारे जहेज और बरी के सूट्स पड़े हुए, तुम तैयारी नहीं होती? खुद को देखो आईने में, कितनी अच्छी लग रही हो, है ना आबिद? थैंक यू आंटी। माशाल्लाह से हमारी बहू है ही बहुत खूबसूरत। थैंक यू अंकल। कहीं जाने का प्रोग्राम है? मैं और रेहान डिनर पे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुड, जरूर जाओ। शुक्र है दोनों बाहर गए। रेहान को समझाया था मैंने, साथ लेके जाया करो बाहर। हाँ बस अल्लाह ताला इसी तरह इन्हें खुश होकर रखे। आमीन। तो हम भी कैंडल लाइट डिनर पे चले। हाँ सही, आप मुझे बहुत दिन हो गए लेकर नहीं गए कैंडल लाइट डिनर। मैं तो अभी जाने को तैयार हूँ, आप जाके तैयार होके आइए। बाकी चलो मैं तैयार होके आ रही हूँ, लेके जाना है। ये तो सीरियस ही हो गया। You're looking very good. Thank you. हम जा कहाँ रहे हैं? चलो ना बिल्कुल आने। हाँ बारे। चलो। आज तुम्हारा दिन है। जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलें। Really? Yes. फिर ऐसा करते हैं कि पहले चलते हैं शॉपिंग के लिए। Please. Okay. Fine. लेकिन कोई नियरेस्ट मॉल नहीं है यहाँ पे, सारे बहुत दूर हैं। नहीं नहीं, आगे मेन रोड से एक टर्न आता है, मुझे वहाँ से शॉर्टकट पता है। वो उस पैरेलल रोड की है, वो हाँ, बंद है रोड। नहीं नहीं बंद नहीं है, खुली हुई है, मैं गई थी पता नहीं उस दिन सोफी के साथ। Are you sure? क्योंकि मैं दो हफ्ते पहले गया था रोड बंद। I am quite certain. नहीं नहीं खुली हुई होगी, चलो तो सही ना, जाके देख लेते हैं। खुली हुई होगी वैसे। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो चलते हैं। वैसे आई डाउट इट। ये ना बोलो। ओह अब वापस ले लो फिर आप। हाँ ठहरो। कोई बात नहीं, मुझे पता थोड़ी था कि रास्ता बंद निकलेगा आगे से। हाँ लेकिन अब हमने आधा घंटा जाया कि यहाँ तक पहुँचने में, और अब वापस जाना पड़ेगा डिनर के लिए। तो ठीक है, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? नहीं याद मुझे, क्या पता होगा भाई, उस दिन मैं आई थी खुली हुई थी, मुझे लगा अभी भी खुली हुई होगी। अब लड़ नहीं रहा मैं, फजूल हमारा आधा घंटा जाया हुआ सड़क के ऊपर। इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, कोई हम यहाँ पर we were out for fun I guess. Outing का मतलब सड़कों पे ख्वार होना नहीं होता। रेहान तुम्हारी कोई important meeting नहीं थी जो miss हो जानी थी, अभी भी हम जा सकते हैं। What is wrong with you? चलो पे चल रहे हैं। मैंने नहीं जाना dinner पे। अच्छा तो यानी तुमने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन हम भूखे पेट रह लें वो सही है। ये क्या मेरी गलती, मेरी गलती की रट लगाई हुई है? मुझे कौन सा पता था कि आगे जाएंगे तो सड़क बंद हो जाएगी। अब हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं ना रेहान साहब, कोई बात ऐसे आराम से जाने देंगे तो हो नहीं सकता। अच्छा चलो forget it, let's just go for dinner. मैंने नहीं जाना बस अब। Fine, to hell with dinner फिर। Yeah, to hell with dinner. अच्छा। आखिर मसला क्या है इनका? तीन हफ्ते की शादी में अगर झगड़ों का ये एक दूसरे पे सबकत हासिल करना चाहते हैं, यही इनकी गलती है। सबकत हासिल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तुम शायद बहन से बात करो। शुक्र है आपको भी बात की संगीनी का एहसास हो गया। मैं कितने रोज से आपसे कह रही हूँ,
कि दोनों का जो एक दूसरे के साथ रवैया है ना, वो समझाओ निभाओ वाला नहीं है। जो वक्त प्यार और मोहब्बत से गुजारना चाहिए, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते। कमाल है, वैसे जिंदगी में मैंने ऐसा कोई कपल नहीं देखा कि जो शादी के पहले दिन से लेकर तीसरे हफ्ते तक रोज चाहिए जरा। अच्छा तो फिर तुम उसकी माँ से बात करो ताकि वो अपनी बेटी को समझाए। थोड़ा रुक जाइए, वक्त दीजिए, हो सकता है बेहतरी आ जाए। क्योंकि अभी हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे ना, उसका ये मतलब हुआ कि हमने हाथ खड़े कर दिए। दी एंड। एक एक दिन मैंने इतनी हैसियत में गुजारा है, एक घंटा भी ऐसा नहीं था कि इस शख्स ने लड़ाई ना की हो मुझसे किसी बात पर। क्या मेरी बाकी की सारी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी उसके साथ? इस तरह नहीं गुजरेगी जिंदगी, हर रोज झगड़ा, ना इसमें सबर है ना हौसला, बहुत हो चुका है तमाशा, बस। मुझे इसी बात का डर था। 30 दिन 9 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड, बस इतना ही टाइम गुजरा ना तुम दोनों की शादी को। मुझे नहीं लगता कि इन घंटों मिनट और दिनों का कोई फर्क पड़ने वाला मेरी शादी को। रिहान ने भी नहीं बदलना वैसे। तो बदलो रमशा। पिछले 23 दिन 9 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड से ना मैं खुद ही कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर सोफी मुझे नहीं लगता कि मेरे कॉम्प्रोमाइज करने से रिहान के बिहेवियर में कोई भी फर्क आने वाला है। ये रिहान जिस ढीठ हड्डी का नाम है ना, कि कभी बदल नहीं सकती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो तुम चाहती हो तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर खौफनाक सोच है। आई मीन इतना बड़ा फैसला तुम इतना जल्दी कैसे कर सकती हो रमशा? मेरी सासू माँ का भी यही ख्याल है, वो भी मुझे यही बोल रही होती है दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारो एडजस्टमेंट हो जाएगी, पर ऑनेस्टली मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। या चंद साल एक दूसरे के साथ गुजार के एडजस्टमेंट के नाम पे क्यों एक दूसरे को टॉर्चर करना? बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां खराब होंगी। अच्छा नहीं कि हम पहले ही फैसला कर लें? अभी बिगड़ा ही क्या है, क्यों एक्सपेरिमेंट्स करने लाइफ के साथ? यानी तुम वाकई सेपरेशन का सोच रही हो? हाँ। क्या रमशा, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? पैदा हो जाए, तुम अलायदगी को इतना आसान समझते हो? ये गुड़िया गुड्डे का खेल है कि जब जी चाहा किसी को उठा के डॉल हाउस से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी शादी को भी एक महीना, बल्कि 3 दिन रह गए महीना कंप्लीट होने, और तुम अभी सलादगी की बातें इतनी दिलेरी से कर रहे हो? अम्मी, जो चीज आपके लिए बाइस से तकलीफ बन जाए, मुसलसल टेंशन और अजियत दे, उसको खत्म कर देना बेहतर होता है। रमशा कोई चीज नहीं है, जिंदा इंसान है, जीती जागती हकीकत है वो। वो भी यही चाहती है बाबा। क्या कहा तुमने? वो भी यही चाहती है? तुमने उससे बात कर ली? जी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया हमें बताया बगैर? बाबा बता तो रहा हूं। वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी, तुमने 35 लड़कियों को रिजेक्ट करके ना उसे सिलेक्ट किया था। तुम ही कहते थे ना कि वो तुम्हारी जैसी है, तुम्हारे उसके व्यूज मिलते जुलते हैं। बल्कि तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी उसकी आइडियोलॉजी एक जैसी है। अब क्या हुआ, सब अल्फाज भूल गए? हमें आई एम वेरी सॉरी, मैं अपने अल्फाज और अपने जुमलों पर बहुत शर्मिंदा हूं। आई टेक देम बैक, आई वाज वेरी रॉन्ग। सीमा, रमशा को बुलाओ। रमशा जरा लाउंज में आओ, तुमसे बात करनी है। खैरियत है आंटी? तुम दोनों ने खैरियत कहाँ छोड़ी है, आ जाओ जरा। एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, आप लोग आ रहे हैं अभी? सब सही है? अच्छा चले, आई एम गोइंग के बाय। आंटी आपने कॉल किया मामा को?
मैंने नहीं, तुम्हारे अंकल ने फोन किया था। अब उन दोनों से मामला मजीद नहीं छुपाया जा सकता। आ जाओ लाउंज में। फैसले का वक्त आ गया। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है बाबा। इसको मेरी लाइक्स डिसलाइक्स दी। मैं कहूंगा दिन है तो कहेगी रात है, मैं कहूंगा वेस्ट है तो कहेगी ईस्ट है। She only knows how to oppose, बाबा। और तुम क्या करते हो? मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है ना इसे। अंकल आपके बेटे को ना मुझसे ज्यादा अपनी शेविंग किट, अपने कपड़े, अपने ब्रश की परवाह है। ये चाहता है कि बस मैं घड़ी की सुई की तरह ना लटकी रहूं हर बार। उसके बाद भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी फेवर करूं। I'm really sorry, Rehan, that's not possible. चुप कर। बाबा, हम लोग प्लीज इकट्ठे नहीं रह सकते। बस करो, बस। बाबा आप मुझे डांट रहे हैं, इसके अल्फाज सुन रहे हैं आप? ये कहती है कि मेरी डिक्टेटर वाली सोच है, but then fine, मत रहो मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। आइए फारूक साहब, आइए। अस्सलामुअलैकुम। मैं सोच भी नहीं सकता था यह हालात इतने खराब होंगे। मैंने शायद की बात को कभी सीरियसली नहीं लिया था। देख रहा हूं ना तुम सब कुछ क्या हो रहा है। शादी के एक माह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको अपनी इज्जत और नेक नामे की परवाह है, लेकिन मैं इस जहन्नुम में मजीद नहीं रह सकता। बहुत ही बचकाना बहस है, बल्कि फजूल की बहस है ये। तुम दोनों इतने मैच्योर होकर भी बेवकूफी दिखा रहे हो। तुम दोनों की लायदगी का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। आंटी मेरे लिए ये रीजन काफी है कि हम लोगों में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए कदर नहीं है एक दूसरे की। जहाँ पे वैल्यूज ही ना हो वहाँ पे रहना फिर भी बेशर्मी है, ढिटाई है, जो मैं नहीं कर सकती। अब कैसे समझोगे तुम दोनों? ओके फाइन, तुम दोनों के इस झगड़े का फैसला कल होगा। रमशा एक बात कहूं, कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये जो तुम परफेक्शन की आइडियोलॉजी है ना, इसे बाहर आ जाओ, सुखी रहोगी। बाबा जो भी फैसला करे, मुझे अब इस औरत के साथ नहीं रहना। हर वक्त चिख चिख लड़ाई झगड़ा, हम इकट्ठे रह नहीं सकते। सुबह फैसला हो जाएगा। हाँ भाई, फिर तुम दोनों ने अपने अपने फैसले तब्दील करने का सोचा? नहीं अब्बा, मैं अपने फैसले पे कायम। मेरा भी ठीक है। अगर तुम दोनों अपने फैसले पे कायम हो तो फिर तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त अब? और वो शर्त यह है कि तलाक देने से पहले 2 महीने तुम दोनों एक साथ गुजारोगे। What? 2 महीने? नहीं अबू, मैं 2 दिन इस औरत के साथ और नहीं गुजार सकता। देख लिया आपने अंकल, सुन ली अपने बेटे की बात। हम लोग 2 महीने तो क्या, 2 घंटे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। तुम दोनों पहले हमारी बात सुन लो फिर शोर मचाना। जी आबिद आगे बताइए। ये 2 महीने तुम दोनों को इकट्ठे गुजारने हैं, उसके बाद चाहो तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये 2 महीने तुम्हें बाहर हाल इकट्ठे गुजारने हैं, ये हमारी शर्त है। याद रखना, इन 2 माह के दौरान तुम दोनों की जानिब से अगर कोई झगड़ा हुआ तो सजा के तौर पर
तुम दोनों को एक साल और साथ गुजारना होगा। दो महीने कैसे इकट्ठे रह सकते जब हमें पता है कि दो महीने बाद हमें अलहदा होना है? रहना तो होगा बेटा, ये तुम्हारा मसला है कि कैसे रहो और कैसे ना रहो। तुम्हें बहरहाल हमारी ये शर्त और हमारी ये डिमांड पूरी करनी होगी और हमें यकीन है कि तुम हमें सुखरू करोगे। सुन रही हूँ, तुमने भी यही बातें करनी तो बेहतर है कि मैं चली जाऊं। अरे बैठो आराम से, बैठ जाओ। क्या है? बैठो ना, बैठ जाओ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं तो तुम्हें सुपर वुमन समझती थी और आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। तुम बस ये सोचो कि अगले दो महीने कैसे गुजरेंगे। ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, वही लड़ाइयाँ, वही चिक चिक, वही झगड़े। मैं तंग आ गई, मैंने पागल हो जाना इस बंदे के साथ रह रहे के। मुझे बचा लो सोफी प्लीज। पागल होने से बेहतर अगर पागल कर दिया जाए तो कैसा? क्या मतलब? देखो अब जबकि सब कुछ फाइनल हो गया है कि तुम दोनों को अलहदा होना है तो क्यों ना तुम ये दो महीने फ्रेंडली गुजार लो। मैं ना फ्रेंडली अंदाज में मेरे साथ वक्त गुजार सके तो हमारी तलाक की नौबत ही ना आती। ये इल्जाम तराशी बंद करो। और मेरा ख्याल तो ये है कि ये दो महीने तुम लोग ऐसे गुजारो जैसे दो मुसाफिर स्टेशन पर गुजारते हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन दोनों को इल्म होता है कि उनका सफर अलग है, बट वो कैसे फ्रेंडली रहते हैं। तुम ऐसे नहीं रह सकती हो। रमशा टाटा बाय बाय की गुंजाइश रखनी चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि मेरे आइडिया पे अमल कर लो। तुम ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो अपने मोबाइल में। निकालो मोबाइल। बताना शुरू करो। ये पढ़ लो। You don't need to worry. वैसे भी तय तो हो ही गया है कि दो महीने में हमें लड़ करता है कि ये वक्त हम अच्छे से गुजारें या एक दूसरे से लड़ झगड़ कर। दुनिया बहुत छोटी है, हमें दोबारा एक दूसरे से मिलना पड़ सकता है और मैं नहीं चाहती कि जब भी हम एक दूसरे को देखें तो नफरत की निगाह से देखें। बेहतर होगा ये वक्त अच्छा गुजार लें और फिर जब भी मिलें एक दूसरे से एक फ्रेंडली मुस्कुराहट दें। एक बार पढ़ लो सारा, अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे कोई मसला है तो बता सकते हो मुझे। बैठो। हम दो अच्छे दोस्तों की तरह ये दो माह का सा गुजारेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बर्दाश्त और पेशेंस से काम लेंगे और हमारे दरमियान अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वाला ताल्लुक होगा। राम, तो आप खदीजा ने मेरी अलमारी में रखती थी। थैंक यू।
रेहान क्या बात है बेटा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? नहीं जी, बस वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। रमशा कहीं गई भी है? हाँ, वो बाजार गई है सूफी के साथ। अब उसको किसका डर है, जहां चाहे जब चाहे उठकर चली जाती है। ऐसा तुम ठीक कहते थे, बहुत ही जिद्दी और लापरवाह औरत है। खैर, अभी तो वो जरूरी काम था, वो उसके लिए गया। तुमसे पूछा था उसने? हाँ जी, जिक्र किया था। चाय पीते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं बनवाती हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए शॉपिंग की है मैंने। कैसा है कलर? आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? अच्छा लगा था तो। हैंग कर देती हूँ मैं, कल जुमा है, पहन लेना। रमशा, नाश्ता नहीं कर रही तुम? जूस लो या फिर चाय तो पियो। तो रमशा, तुम अपनी जिंदगी को अजियत कहती? आंटी, काश रेहान का रवैया शुरू से इतना अच्छा होता तो हमारे बीच में अलहदगी की नौबत ही नहीं आती। वैसे तो मुझे पता है कि उनके इस रवैये की वजह क्या है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आओ रेहान, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ये सूट तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, वो रमशा लाई थी। मैं नाश्ता बना के दूँ आपको, क्या लेंगे? बस मैं चाय ले लेता। मैं बना देती हूँ। बड़ी एटिकेट्स की बातें करते तुम कि मैंने खाने पे तुम्हारा वेट नहीं किया, हालांकि तुम घर पे भी नहीं थे, और आज मेरे बगैर नाश्ता करके आ गए हो, वेट भी नहीं किया मेरा। अदले के बाद सुपीरियर समझती थी। सुपीरियर मैं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं भी वही करूंगा। फॉरगेट इट रेहान, बच्चों वाली जिदें तुम्हारी। हां, मैं बच्चा हूं और तुम तो बहुत अक्लमंद और सयानी हो ना, जानता हूं कितना हाई कैलिबर है तुम्हारा। हाँ, कह दो बेवकूफ हूं मैं। कल भी तुमने मेरे लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किया था, पता भी है तुम्हें कि मुझे सख्त चिढ़ है इस लफ्ज से। तो किसी भी बेवकूफ को बेवकूफ कहा जाए तो चिढ़ेगा। टोस्ट नहीं लोगे तो? अच्छे से गुजारना चाहते हैं, हम कभी कभी ऐसी निशानी का शिकार हो जाते हैं। हम इसीलिए उसे उसे घर नहीं बुलाते, उससे मिलते नहीं हैं। शायद ऐसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अल्लाह बस इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, दोनों एक दूसरे का मकाम पहचानने लगे, वरना ये कागजी माहदे तो महज कैलेंडर के सफात पलटाने की प्रैक्टिस होते हैं। एक दिन सारे महीने खत्म और आखिरी खाली सफा हमें गुजरे हुए वक्त का एहसास दिलाता है। अल्लाह ना करे सीमा, हमारे बच्चों की जिंदगी में कभी आखिरी सफा नहीं आएगा। इंशाल्लाह अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे।
ब्यूटीफुल ना, डूबते सूरज की सुर्ख रोशनी समंदर के नीले पानी में कितना अजीब रंग बना रही है। शुक्र है तुम आ गए यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट देखकर, नहीं तो वहीं से वापस मुड़ रहे थे तुम हमेशा की तरह। हाँ तो तुम बात ही दूर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सच को क्यों फेस नहीं करते? अब गलत बात तो गलत ही करो। मुझे सच से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तनकीद सख्त बुरी लगती है। तुम्हारी गलत बात तुम्हें बताना तनकीद हो जाती है, तुम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो। अच्छा प्लीज, अब यहाँ बैठ के लेक्चर दोगी इतनी खूबसूरत जगह पे, इसीलिए मैं वाकई। वैसे टाइम काफी कम रह गया और जो रह गया वो भी गुजर जाएगा, थैंक गॉड। सूरज को देखो, रोज कितने गरूर से, कितनी शान से पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्याल लेकर बाहर निकलता है, और अभी डूबता हुआ कितना बेबस, कितना लाचार लग रहा है ना। बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, हर अरूज का जवाब करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही डूब जाते हैं। तुमने कभी सोचा हमारी इतनी लड़ाई क्यों होती है आपस में? क्यों? क्योंकि हम भी अपने आप को सूरज ही समझते हैं, ऐसे ही चमकने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, झगड़ते हैं, और एक दिन ऐसे ही डूब जाएंगे। क्या देख रहे हो? खूबसूरत लग रही हो बहुत। थैंक यू, बस आई एम ऑलमोस्ट रेडी, जस्ट अ मिनट मोर। श्योर। डन, चले मैं बैठ गई हूँ बस, कहाँ गया? हेलो, अरे यार कहाँ रह गए हो? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। या वी आर जस्ट 5 मिनट्स अवे, रास्ते में बस पहुंचने वाले। ओके, बट जल्दी पहुंचो। Thank you.
कहाँ जा रही हो? किचन तक। एक बात बोलो, पार्टी में सबसे वो आम मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर, थैंक यू। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है, ये इनकार है ना इकरार है ना इख्तियार है ना इख्तियार है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। डिस्टर्ब होगी, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। रेहान प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही है ऐसे, तो मैं काम करने जाके स्टडी में कर लूँ। मैं अपने कमरे में कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें जाना था गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। तुम्हारे साथ रहते हुए बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता, तुमने मुझे पागल कर देना है रेहान। नहीं, मैं चादर ले लेती हूँ मुंह पे, आप कर ले अपना काम यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भतीजा रमशा, ये टैबलेट किसके लिए? वो रेहान की तबीयत खराब है आंटी। क्यों, क्या हो गया उसको? रात काफी देर बाहर रुके हैं, मेरा ख्याल है ठंड लग गई है, फ्लू आवे उन्हें। ओहो, और अब इसको फ्लू आए ना तो बुखार भी जरूर होगा। हाँ मैं, चलो मैं भी चलती हूँ जाके देखूं उसे। रेहान क्या हो गया बेटा, बुखार हो गया तुम्हें? ओहो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये ले, ये पानी पिए इसके साथ। ये मम्मी जरा इनको दे। हेलो, हाँ सोफी, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, रेहान की तबीयत नहीं सही। वो बच्चा है क्या, तुम बस तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं नहीं आ सकती ऐसे, मैंने बताया उसकी तबीयत नहीं सही, अच्छा नहीं लगता। तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही है? खैर नहीं है, शोहर है मेरा सूफी, सिर्फ 2 महीने का। चल ना कहीं सही। तुम्हारी साइकी को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? वेल, तुम उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखो, ठीक है? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। Thank you.
खाली दवाई ले ली सब, इसके लिए सूप बनवा लो। थोड़ा सा है ना, देख गया ना, आखिर ही है। चलो दोपहर में फिर जो कहोगे मैं वो बना दूंगी। अच्छा आखिरी प्रॉमिस, वैसे बहुत बुरा है बाय द वे। थैंक यू। ये शख्स दिखने में कितना मासूम लगता है, कितना नरम मिजाज, किसी बच्चे की तरह। अगर जब बोलता है तो ऐसे कि अपने बंदे की इज्जत उतार के रखते हैं। काश इतना सख्त मिजाज ना होता। रमजान पानी और तुम बुखार तो काफी कम हो गया है, सुबह तक ठीक हो जाओगे, रेस्ट करो। तुम भी रेस्ट कर लो, मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई। मैं ठीक हूं, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। कर रहे हो रेहान,
मैंने मना भी किया था तुम्हें काम करने से। यार वो ऑफिस की बहुत जरूरी मेल थी, उनको रिप्लाई करना था। लाओ मुझे दो। तुम क्या करोगी? जानती हूँ मैं, काम करती थी तुम्हें अगर याद हो तो। चलो बोलो किसको मेल करनी है, पासवर्ड क्या था इसका? अच्छा ठीक है। अच्छा इसको खोलो, इस मेल का रिप्लाई करना। जी साहब। खदीजा ये मेरी अलमारी की तरतीब आपने ठीक की है? नहीं साहब मैंने नहीं, कल रिमशा बीबी ने आपकी अलमारी ठीक की थी। क्या हुआ? ये सब तुमने क्यों किया? खदीजा तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। लेकिन ये अच्छा काम तुमने पहले नहीं किया। पहले नहीं किया तो गलत किया क्या? वैसे तुमने मेरी बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम इतनी केयरिंग और कंसिडरेट हो सकती हो, मैंने नहीं सोचा था। शायद मुझसे जान छूट रही है ना, इसलिए इतना खुशी खुशी सब काम कर रही हो। मैं भी देख कर आ रही हूँ, रमशा ने उसको दलिया दे दी और मेडिसिन भी दे दी, बहुत केयर कर रही है उसकी। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हम जैसे रोमांटिक कपल की ऐसी औलाद, इसने तो बाप का नाम ही डबो दिया। ऐसा खुश्क लड़का है कि रोमांस तो छू के नहीं गुजरा ऐसे लगता है। खानदान भर में आपकी उस मार्के की दास्तान तारीख की हैसियत रखने के लिए लोग अभी तक आपको मजनू ही कहते हैं। भाई ये नालायक तुम्हारे अब्बा भी चला गया, हमारी मरहुमा सास बेचारी उनकी एक नजर करम की मुंतजर रहती थी, और वो अब देखो सुल्तान भाई। अब्बा ने अगर आपके जरी ख्याल सुन लिए ना तो याद रखिएगा वो आज भी सुल्तान राही है। हम तो कानों को हाथ लगाते हैं भाई उनके सामने, सास सलाम आपके अब्बा को। अपने शायद को कह दिया कि वाकई सारा सामान ले जाए, क्योंकि हमें क्या करना है सामान के साथ, जब हमारा बेटा खुश नहीं, उनकी बेटी खुश नहीं, तो जहेज का क्या करेंगे हम? सच का है बुजुर्ग, बहुत ही अच्छी और सलीखामंद लड़की तलाश करूंगी। हाँ बिल्कुल, और फिर इस हजियत में हम अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना बेकार में। एक दिन रहेगा मियां कल का, जान छुड़ाओ और भूल जाना उसके बाद, ये तल्ख यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। बिल्कुल। रमशा
डोंट वरी बेटा, आज तुम्हारा लास्ट डे है कैद का। कल से तुम आजाद हो जाओगी हमारी वायदे की पाबंदी से। क्यों, सही कह रही हूँ ना? मैं घर जाना चाहती हूँ मामा। मगर क्यों बेटा, साथ जाएंगे रेहान के घर और एक साथ वापस आ जाएंगे। देख रहे हो, खूबसूरत लग रही हो बहुत। लेकिन मैं इस जहन्नुम में मजीद नहीं रह सकता। वैसे टाइम काफी कम रह गया और जो रह गया वो भी गुजर जाएगा, थैंक गॉड। ये लो चाय। फुल फिल्मी सिचुएशन। आबिद अंकल ने वकील साहब से कह दिया है कि पेपर कल ले आए। डू यू रिमेम्बर? या तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि वो आयरन मैन तुम्हारे इश्क में पिघल जाए। वैसे मुझे कोई उम्मीद नजर तो नहीं आती, पर हाँ एक और हल है, तुम जाके उसके पैर पकड़ लो और रह लिखना जाके उसको कि तुम उसके इश्क में डूब गई हो। ऐसा हो नहीं पाएगा मुझसे, और नहीं मैं ऐसा करूंगी कभी भी। तो फिर कल का इंतजार करो। अच्छा चाय पियो। आप दोनों के दरमियान आपकी पेरेंट्स की मौजूदगी में 2 महीने पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। आज उसका लास्ट डे है। आज आप दोनों को अपने डिवोर्स पेपर साइन करवाने से पहले मैं ये बात जानना चाहूंगा, क्या आप अब भी अलहदगी चाहते हैं? बोलें, जवाब दें। आप पर कोई दबाव या जोर जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं, ये जाती फैसला है हमारा। ठीक है ना रेहान? बिल्कुल ठीक। मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आबिद साहब मिठाई मंगवाई अब तो? जी जी बिल्कुल। वो जो कहावत है ना कि शादी ब्याह बुड्ढे गुड़िया का खेल नहीं होता, दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता लेकिन इसकी पैदाइश डिपेंड करती है उन दोनों के रवैया पर। इस रिश्ते में अगर खुद पसंदी, अना, अकड़ और जल्दबाजी से काम न लिया जाए और थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और रिस्पेक्ट की जाए तो मेरे ख्याल में रिश्ता कभी भी ना टूटे।
और देखो बेटा, जब दो अजनबी इकट्ठे एक साथ जिंदगी गुजारते हैं ना, तो उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। और तुम्हें जो हमने 2 महीने का टाइम दिया था, उसका भी असल मकसद यही था। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमें सोचने का वक्त दिया, नहीं तो हम पता नहीं क्या करने वाले थे। जीते रहो बच्चों, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। जीते रहो। पहले से तो मत करना। बारिक हुसैन। प्यार है ये कैसा प्यार है।